गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू मोर सॉल्ट एंड सैक्रिफाइस। सो अपन अपना जो सेकंड लोकेशन बोल करा ये लोकेशन कंटिन्यू कर रहा है। ये अपना काइंड ऑफ थोड़ा सा डेजर्ट लोकेशन, डेजर्ट टूम एरिया टाइप का लोकेशन है। पिछले एपिसोड में अपने दो बॉस फाइट्स हुए थे। पहला बॉस फाइट अपना टेरा मैंसर एक मेज था जो बेसिकली तुम्हारा बोल सकते हो जो अर्थ एलिमेंट है उसका था, अर्थ या स्टोन एलिमेंट। एंड दूसरा एक नॉन मेज बॉस था समथिंग द टायरिंग टायरलेस एक्सेल्टेड ऐसा कुछ नाम था, वो बहुत अनोइंग बॉस था। तो काइंड ऑफ उसका मैकेनिक्स ऐसा था कि उसके जो अटैक्स वगैरह थे वो इतने कुछ टफ नहीं थे डॉज करने में, या वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग ऐसा कुछ नहीं था। बट वो एक ऐसे तुम बोल सकते हो गोस्ट टाइप का अटैक कर रहा था जिसमें वैसे फॉग टाइप के स्कल्स बना रहा था। एंड वो जब तुम्हें हिट करता है तो तुम पे एक डेथ स्टेटस इफेक्ट बिल्ड होना चालू हो जाता है। एंड अगर डेथ स्टेटस इफेक्ट पूरा बिल्ड हो गया तो आई गेस या तो इंस्टेंट डेथ है नहीं तो बहुत ज्यादा डैमेज है, मतलब अराउंड 50% से भी ज्यादा तुम्हारी हेल्थ गायब हो जाती है। ये कुछ है, या तो इंस्टेंट डेथ है, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि अपन पे थोड़ा सा गिल्ट लक्स कर्स पड़ गया था तो मेरी हेल्थ थोड़ी बहुत ऑलवेज कम ही रहती थी। एनीवेज वो बॉस काफी टफ था, उसे मारने में मैं बोलूंगा अब तक सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स लगे गेम में। उसके बाद मतलब रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद मैंने थोड़ी सी फार्मिंग वगैरह की। तुम देख सकते हो मेरे पास एक नया मास्क है जो मैंने पहना हुआ है, तो ये तुम्हें द नेमलेस मेजर्स को मारने से मिलता है। अब नेमलेस मेज हंट जो ऑलरेडी तुमने जो मेजर्स को मारे उन्हीं के काइंड ऑफ एक बफ्ड अप वर्जन होते हैं, मतलब एक हायर टायर वाले वर्जन होते हैं। उनको हराने से तुम्हें उनके मास्क मिलेंगे एंड बाकी जो यूजुअली वो लोग ड्रॉप करते हैं क्राफ्टिंग मटेरियल वो भी मिलते हैं। अब इनको कैसे हराना है, एक बार अगर तुमने लोकेशन ढूंढ लिया नेमलेस मेज हंट का तो तुम अपने क्या कहते हैं उसको पेंडोराज वेल जो तुम्हारा पार्टनर्स वेल जो तुम्हारा सेंट्रल कैंप है वहां से टेलीपोर्ट से आगे सेलेक्ट कर सकते हो। अब फायदा क्या है देखो ये मास्क का, ये देखो ये वो नॉर्मल मास्क है जो मुझे वो इसका नाम क्या है क्रायोमैंसर, या ये जो मास्क है ये क्रायोमैंसर है ये इमेज का नाम। तो इसको हराने से तुम्हारे नॉर्मल आर्मर सेट का मास्क ये है जिसका वेट 5.2 है और फिजिकल डैमेज 15.9 है। अब ये देखो इसका भी वेट 5.2 ही है लेकिन इसका फिजिकल डैमेज 28.3 है, फिजिकल डिफेंस सॉरी, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। तो तुम सोच सकते हो कि कितना बढ़िया है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा अगर तुम लोग मतलब एक बिल्ड बना रहे हो तो जो बिल्ड से रिलेटेड है उस मेज के नेमलेस वर्जन को हंट डाउन करो। ऑल्दो वो थोड़ा टफ हो सकता है, जैसे कि ये वाला तो टीयर 7 पे था तो मुझे उतना टफ नहीं लगा, बट जो टेरामैंसर जिससे अपन पिछले एपिसोड में लड़े थे उसका नेमलेस मेज बॉस फाइट आई थिंक टीयर 10 या टीयर 11 है जो कि मुझे काफी टफ लगा। मैंने एक दो बार अटेम्प्ट किया फिर मैंने उसे छोड़ दिया, सोचा कि थोड़ा लेवल अप करने के बाद मारेंगे। एंड मैंने फिर क्रायोमैंसर को भी अनडाउन किया जो अपना वाटर मेज था। एंड उसका ये ग्रेट ब्लेड जो वेपन है ये मैंने बना लिया, यहाँ पे तुम स्टैट्स देख सकते हो। तो ये अपने फायर वाले वेपन से थोड़ा स्लो है बट लेकिन ये क्योंकि क्लास 3 ग्रेट ब्लेड है तो इसका डैमेज भी ज्यादा है एंड कोल्ड एंड डार्क दोनों टाइप के अटैक करता है। तो अगर तुम्हें याद होगा तो लास्ट एपिसोड में जब टेरामैंसर से लड़ रहे थे एंड उसके आसपास के जो दूसरे मिनियंस थे उनको फायर डैमेज काफी कम हो रहा था, वो इसलिए क्योंकि उनका वीकनेस वाटर एंड डार्क मैजिक है। जब मैं ये वाला वेपन यूज करता हूं उन्हें भर भर के डैमेज होता है। नीचे एक डोर है जो जिसे दो या तीन हार्ट चाहिए यहाँ पे, लेकिन मजे की बात ये है यहाँ पे जो एनिमीज अभी आगे आने वाले हैं आई डोंट थिंक कि वो अर्थ एलिमेंट बेस्ड है, वो लोग मे बी समथिंग काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक या समथिंग वैसा है डेथ बिल्डअप करने वाले, तो मुझे पता नहीं उनका वीकनेस डार्क होगा क्या। आइस तो वीकनेस है उनका, 74 डैमेज हो रहा है मतलब आइस वीकनेस है। ओके नॉट बैड, दिस वेपन इज स्टिल डूइंग गुड। एक चीज मुझे यही नहीं समझ में आती इस टाइप के जो वेपन्स है जिसमें कोल्ड एंड डार्क मैजिक दोनों है, तो अभी ये फिलहाल तो कोल्ड मैजिक कर रहे हैं लेकिन हाउ डज डार्क मैजिक वर्क मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। अदर देन दैट इसका जो रोहिनी कार्ट है वो मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए तुम्हें डिवाइन ग्लिम्सेस लगते हैं। तुम्हारे अगर स्किल ट्री में देखो तो दो टाइप के ग्लिम्सेस है, फॉरबिडन ग्लिम्स एंड डिवाइन ग्लिम्स। तो अपन फॉरबिडन ग्लिम्स में काइंड ऑफ पॉइंट्स डाल रहे हैं। और यार मैंने अपने थ्रोइंग वेपन्स भी अपग्रेड कर लिए, ये वो है जो तुम्हें टेरामैंसर को मारने के बाद ड्रॉप होता है, तो इसका डैमेज अराउंड 10 डीपीएस के आसपास ज्यादा है। वो देखो डेथ बिल्डअप कर रहा है।
ये जो अटैक कर रहा है ना डेथ बिल्डअप के लिए, बॉस भी यही कर रहा था, बस बॉस के अटैक थोड़े और ताकतवर थे. ठीक है, आई थिंक वी कैन डील विद दीस एनिमीज, उतना हार्ड नहीं है फिलहाल तो. लॉग्ड, ओके. I am just too hitting them. Oh bhai. वहाँ पे कुछ लूट छुटी है. शॉर्टकट भी है. अनक्लीन ओवेसिस. अच्छा, ये एरिया कुछ टाइम पहले अपन यहाँ पे निकले थे एक्चुअली. अपन ऑपोजिट साइड से निकले थे, लेकिन बाद में तब मैंने बोला था अपन इसे बाद में एक्सप्लोर करेंगे, एंड मैं छोड़ के आ गया था. तो मैंने ऑफ रिकॉर्डिंग एरिया को देखा, तो यहाँ पे एक्चुअली उतना कुछ है नहीं. यहाँ पे तुम्हें एक NPC मिलेगा जैसे मैं बताता हूँ. तो एक्चुअली तुम अगर उस साइड से आओगे तो अपन यहाँ से निकले थे पिछले बार क्रीपिंग केव से. अपन इतना आए थे, फिर अपन वापस क्रीपिंग केव चले गए थे, एंड फिर टेरामेंसर वगैरह से बॉस फाइट की थी. बट इधर तुम्हारे एक NPC खड़े रहता है, शेरिफ जो है, एंड वो तुम्हें कुछ बोलता है, कुछ ब्लू हार्ट्स वगैरह वो हंट कर रहा है. एंड क्या तुम उसे मदद करोगे हंट करने में? अगर तुमने यस किया तो फिर वो अपना पार्टनर्स वेल में चले जाते हैं, उसके बाद शायद तुम्हें वो उधर मिलेगा. मैं वापस पार्टनर्स वेल गया नहीं अभी. एंड यहाँ पे कुछ एक लूट आइटम मिलता है, आई थिंक वो तुम्हारा ये जो आइटम है ना, थ्रोइंग आइटम जो ब्लास्ट डैमेज करता है, उसका आई गेस टोटल नंबर ऑफ आइटम जो तुम क्राफ्ट कर सकते हो उसका नंबर बढ़ाने वाला है. तो काइंड ऑफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है जो लोग उसे यूज करते हैं. मैंने फिलहाल वो यूज नहीं किया क्योंकि मुझे काइंड ऑफ वो थोड़ा सा रेयर आइटम लग रहा है, तो थोड़े टफ बॉस फाइट्स के लिए बचा के रखे. थ्रोइंग थ्रोइंग वेपन मिला ना 80. तो अपने नॉर्मल वाले थ्रोइंग एक्स से अच्छा था ये, लेकिन वी ऑलरेडी गॉट बेटर एक्स. ओह 38, बढ़िया. अपने थ्रोइंग एक्स का डैमेज बहुत बढ़िया हो गया है. ओह इज दैट अ बॉस फाइट? ऐसे अपने पास सेव पॉइंट तो काफी क्लोज है बॉस फाइट के. ही कैन एक्चुअली स्टार्ट द बॉस फाइट विदाउट एनी प्रॉब्लम. ओहो कहाँ से मार रहा है लेकिन मुझे? मुझे उस साइड से चढ़ना पड़ेगा. वो लूट लेके आते हैं पहले. स्टील की, ओके. इससे पहले भी एक की मिली थी, पता नहीं उसने किधर यूज करते है. सिंपल की. ऊपर एक और सेव पॉइंट है, आई गेस ये ऊपर वाला सेव पॉइंट अपने लिए ज्यादा अच्छा रहेगा. ओके, मैं रेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि नीचे वाले एनिमी स्पॉन हो जाएंगे. ओ ये देखो ये पैनल, अगर तुम इस पे फुट रखोगे ना सामने से एरो निकलते हैं. प्रिटी श्योर जब वो स्टार्टिंग पिछले बार एरो आए थे मैंने कोई पैनल पे फुट रखा होगा. आई ऑफ कोर्स लॉक्ड है. अरे भैया, हाँ शॉर्टकट. भैया अभी वो दोनों मुझे मार ही देते ऑलमोस्ट. लॉल लॉल. अरे यार, इस चीज की बात कर रहा था, डेथ बिल्डअप. तो या तो इंस्टेंट डेथ है, नहीं तो तुम्हारी HP कम है, तो ऐसा कुछ है उसका. इंस्टेंट डेथ नहीं तो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा 50% से भी ज्यादा HP जाती है उससे तुम्हारी. मैं फिलहाल एक भी बार जिंदा नहीं बचा वो लगने के बाद, इसलिए मुझे करेक्ट आइडिया नहीं है. लेकिन हर बार जब भी वो कनेक्ट होते हैं मेरी HP थोड़ी सी कमी रहती है. ओ ओ भाई, अरे यार.
let's get our salt. ओके वो बंदा गया नीचे, इस तरफ देखना चाहता हूँ क्या है. वन मोर शॉर्टकट, नाइस. वेयर डज दिस ओपन? डेसोलेट प्लेन. इज दिस अवर स्टार्टिंग लोकेशन? फिर तो ये बहुत बढ़िया शॉर्टकट हो जाएगा. एक्चुअली में बहुत बढ़िया शॉर्टकट हो जाएगा. एक्चुअली मुझे यही वाला शॉर्टकट लेके रखना चाहिए. यस. ओ भाई इतने टाइम बाद इतना बढ़िया शॉर्टकट मिला. ये तुम्हारा वो लोकेशन है जहाँ पे तुम जब ये वर्ल्ड में ट्रैवल करते हो तो जहाँ पे तुम्हें ये वो टेलीपोर्टर लाके पटकती है, वो लोकेशन है ये. ओके कूल कूल कूल. एंड मुझे ये लोकेशन भी याद है, ऊपर वाले डोर के लिए समथिंग 3 hearts वगैरह चाहिए थे. ठीक है 3 या 2 hearts, 3 hearts थे. ये वाले बॉस को मारने के बाद प्रॉबेबली अपन खोल पाएंगे वो. एंड व्हाट इज हियर? डेड एंड है. फिल्थी की. ये कीज का क्या हिसाब है? अपने पास 2-3 keys हो गए हैं. इन्वेंटरी में देखना पड़ेगा. ये रहा कीज, ग्रैपल हुक. अच्छा ये टूल्स में पड़े अपने. अ सिंपल मेटल की इट सीम्स टू बी ऑफ अ टाइप ऑफ टिपिकली एसोसिएटेड विद मेटल लॉक बॉक्सेस. ओके मेटल लॉक बॉक्स. अ वेरी स्मॉल की, वेरी लाइट एंड स्टील, वेरी लाइट स्टील की. कीज लाइकली लाइक दिस आर कॉमनली यूज्ड इन. ओके ये भी मेटल लॉक बॉक्स है. A grim ridden key found near the throne at the tomb temple of Bulgra. It's left a greasy stain in the canvas bag, okay, from which it was retrieved. There may be something to the rumors of the hidden passage in the sewers. Okay, bury the temple after. अच्छा एक knight NPC था जो अपन को Ashbourne village में भी मिला था, यहाँ पे भी मिला था, और उसने बोला था throne के पास तुम्हें कोई key मिलेगा जो तुम्हें sewers वगैरह पे लेके जाएगा. तो ये वही key है. Now we just need to identify की Where this key goes? Okay. Actually, there were some locked doors here. यार नहीं, ये कुछ ये वाला खुलता है क्या? नहीं. Actually, let's go and do the boss fight. उसके बाद की ढूंढेंगे. आई थिंक एक दो डोर नीचे की तरफ भी थे. इधर आराम से. इधर डोर था क्या? आई थिंक एक आधा डोर नीचे की तरफ भी था. पहले बॉस फाइट करते उसके बाद वो डोर को देखते हैं, क्योंकि वो नीचे एनिमीज भी रिस्पॉन हो गए. क्या लेवल है? tier 8 है. shouldn't be that tough, but मुझे बस इसका वीकनेस एलिमेंट देखना पड़ेगा. अपने वेपन में डार्क मैजिक है एंड ये नेक्रोमांसर है, तो काइंड ऑफ मे बी ही कैन बी इम्यून टू डार्क मैजिक. तो फिर फायर वेपन वगैरह ट्राई करके देख सकते हैं. ओके लेट्स ट्राई. मुझे लग रहा है ये मेज बिल्ड की चीजें ड्रॉप करेगा. नेक्रोमांसर है ना. ओके ही इज अप देयर. जहां से आए उधर ही निकला ये. ओए भूल गया था, बच गए. अरे अच्छा ये साले ने वो, इसने वो तोड़ दिया. मैं वही सोचा प्लेटफॉर्म किधर गया. ये बंदा प्लेटफॉर्म तोड़ के नीचे गिरा है. अरे प्लेटफॉर्म आ देते हैं क्योंकि दिक्कत ही है ना. इससे मैं इधर लड़ूंगा छोटे जगह पे, उनके अटैक्स अपन को नॉक बैक कर रहे हैं एंड वी विल फॉल स्ट्रेट टू बॉटम. और ऊपर है ये, बस और ऊपर है.
ओ ये रहा, और टिपिकल नेक्रोमांसर। ओके ओ भाई ये भी डेड बिल्ड करता है क्या? ओके बच के, मुझे पता नहीं ये स्कल करता है क्या, मैं अभी तक हिट नहीं लिया उससे। ओके ओके बहुत अजीब से अटैक है इसके। ओके डैमेज बहुत ज्यादा है उसका, इसका थोड़ा सा तो रेजिस्टेंट है ये, लेकिन स्टिल आई गेस 51 इज अ नाइस डैमेज जो अपन कर रहे हैं उसको। नहीं विंड वो जो भी है एरोमांसर तो उधर ही है। ओके देयर वी गो। वो नीचे गया क्या ये? लेट्स स्टॉप अप। इतना पास में अगर चेक पॉइंट है तो टॉप अप क्यों ना करे। ये ये और नीचे गया ना, मैं ध्यान नहीं दे, लेकिन ये और नीचे गया। यस अरे नीचे उतर जा मेरे भाई, बैग में क्या है? पॉइजन बॉम्ब। ओके वी नीड टू ट्राई आउट सम बॉम्ब्स, लेट्स सी कौन सा। नेक्रोमांसर आई गेस फायर शुड वर्क प्रीटी वेल ऑन हिम, पॉइजन का मुझे आइडिया नहीं। ओह आई मिस्ड दैट। Where did he go? ये कितना नीचे चले गया ये वाला डोर। ओह ओके फिल्थी की वर्क डियर, ओपन बाद में जाएंगे। वी हैव अ मेज टू हंट नाउ। ओए नहीं। 30 नॉट बैड। ओके ही रैन अगेन। डेथ बिल्ड don't want that. ये आपस में क्यों नहीं लड़ रहे? आई गेस ये दोनों ही ब्लैक मैजिक यूज करते इस वजह से, नहीं तो यूजुअली ये नॉर्मल एनिमीज हैं ये। हाँ बहुत हो गया, तो नॉर्मली ये नॉर्मल एनिमीज एंड जो मिनियंस हैं वो लोग आपस में लड़ते हैं। मुझे लग रहा है पूरा नीचे गया जहां से अपन ने स्टार्ट करके आए थे। ओह इट्स द फाइनल लोकेशन।
अरे यार इनसे कैसे बचूं मैं? फायर बॉम्ब अच्छा खासा वर्क किया एंड अपने पास रुको, इससे पहले बात कर लेते हैं नहीं तो मर जाएगा। जल्दी जल्दी बात कर मेरे से। डेथ फाइंड्स मी नाउ, आई हैव वैनक्विश्ड यू, डोंट यू केयर। ऑफ कोर्स आई डू, द अनडेड नेवर ट्रूली पेरिश, आई शैल रिटर्न, माय टेल विल बिकम अनदर जेम इन द रियल्म ऑफ कटाबाल। कटाबाल कौन सी जगह है? वी शैल मीट अगेन इनक्विजिटर। आई हैव अ फीलिंग कि ये बंदा वापस आएगा, देखते हैं। अब ये डोर का क्या सीन है? ओ इसको मतलब टोटल चार हार्ट चाहिए थे मेज हार्ट से इसको ओपन करने के लिए। सो वी कांट डू दिस नाउ, ये क्लियर हो गया। एक बॉटम में एक डोर था जो अपना ये लोकेशन के भी बाहर था। एक्चुअली सिंस वी आर दैट क्लोज टू इट, वी कैन गो चेक दैट आउट, रैप उसके बाद टेलीपोर्ट करके बाहर जाते हैं एंड उसके बाद अपन वापस आएंगे क्योंकि अपने पास 15,000 पड़े एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड दैट। एंड सिंस वी हैव ओपन दिस अमेजिंग शॉर्टकट जो अपन को एकदम जल्दी लेके आएगा वापस ये लोकेशन पे, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। यहाँ पे इफ आई एम करेक्ट एक स्पाइडर वाला एनिमी आता है। या देयर इज, तो ये भी नहीं खुला, इसको कितने चाहिए? टू मोर। ओ भाई मतलब इसके लिए पांच मेजर्स मानने थे, ऊपर वाले के लिए चार मेजर्स मानने थे। सबसे टॉप पे एक दरवाजा है जो आई एम प्रिटी श्योर कि वो अब ओपन हो चुका होगा। सो वी हैव थ्री क्लोज्ड डोर्स, ओके, जिसमें से एक प्रोबेबली अपन खोल सकते हो, वो सबसे ऊपर वाला, एंड दैट विल बी क्लोजर क्योंकि अपने पास अभी वहां का शॉर्टकट खुल गया तो वो डोर के पास अपन जल्दी जा सकते हैं। रेस्ट एंड रिसप्लाई, नहीं रिटर्न टू क्या, देखते हैं नेक्रोमांसर ने क्या गिराया। इसे मेरी एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है मेज बिल्ड की चीजें होंगी, बट लेट्स सी। इनके पास काफी सारे वेपन्स गिराते हैं एक मेज, लेट्स होप कि अपने काम का कुछ हो। वेयर इज नेक्रोमांसर? ये रहा क्लास 3 लाइट आर्मर, ओके, आर्मर से वैसे भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। साइथ स्ट्रेंथ स्केलिंग ही है तो बेकार अपने लिए। ट्विन डैगर, ग्लेव, हाई ब्लेड, बेसिकली कटाना है। क्लास 2 ब्लडजियन, ये तुम्हारा सिंगल हैंडेड हैमर जो है वो वाले, तो ये फास्ट होते हैं लेकिन इनका डैमेज काफी कम है। तो मेरे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इफ यू आर मेकिंग अ स्ट्रेंथ बिल्ड तुम्हारा डैमेज अच्छा खासा होना चाहिए क्योंकि तुम यू आर ऑलरेडी स्लो। इफ यू वॉन्ट अ स्ट्रेंथ बिल्ड दैट इज फास्ट देन यू कैन यूज दिस ब्लडजियन टाइप ऑफ वेपन्स जो तुम्हारे सिंगल हैंडेड हैमर एंड एक्सेस होते हैं। क्लास 3 टू हैंडर, स्ट्रेंथ स्केलिंग डी, फिजिकल एंड डार्क, दिस दिस कैन बी इंटरेस्टिंग वेपन, ओके। और क्या अपने पास? इंक्रीज द सिल्वर फाइन रेट, ये अच्छा हो सकता है फार्मिंग के लिए। डिस्प्ले ट्रॉफी, बिल्ड रेज ऑन डैगर काउंटर अटैक, ओके। सर्चिंग इधर, ओके, ये रिंग मुझे अच्छा लग रहा है बट आई गेस मुझे पहले ये बना लेना चाहिए, ओके, एंड आई कांट मेक द रिंग, ओके। एक सेकेंड, 31.7, 30.2, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है एंड ये एक लेवल नीचे है अपने, ये एक लेवल ऊपर अपग्रेडेड है। So I guess this might can be better than this, but it's situational. Depend करते हैं सामने वाला किसके against weak है। Let's try this out. Ooh, it's a scissor. Okay. अरे भाई ये बहुत मजा आएगा use करने में। ऐसा एक weapon उसमें भी था, इसका जो first part है Salt and Sanctuary में, वो actually मैं use नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे काफी बाद में मिला था। Okay. These are normal attacks.
एंड हैवी अटैक पे ये कैची चलाता है. सो लेट्स चेक आउट द कॉम्बो. ओके कॉम्बो सेम है शायद. वन टू थ्री. यप कॉम्बो सेम है. बस एक जो हैवी अटैक ऐसा कर दिया है विच कैन बी फन टू यूज. आई गेस थोड़ा सा अपग्रेड कर ले उसको. वेयर इज माय वेपन. ओह शिट. अब ये वाला आइटम मैं कहाँ से लेके आऊँगा. ये बॉस को मारने से मिला नहीं क्या कुछ. मिला मैं तो बॉस को मारने से कुछ मिलेगा. वॉइड बायर 31 30 30.3 40 kind of अपना डैमेज तो डाउनग्रेड हो रहा है बट ठीक है. लेट्स ट्राई दैट आउट. दूसरे पे ये ब्लेड रखता हूँ ताकि अगर मुझे ऐसा लगा कि डैमेज वगैरह बहुत कम हो रहा है तो अपन इंस्टेंटली स्विच कर लेते हैं. मैं वो वैनगार्ड ऑल उसका डैमेज सिर्फ 15 है लेकिन वो वैनगार्ड वाला जो वेपन है उसको एक एसपी यूजुअली इसलिए रखता हूँ क्योंकि इंस्टेंटली मैं स्विच करके 100% ब्लॉक डैमेज पूरा ही मैं अब्सॉर्ब कर सकता हूँ कोई ऐसे सिचुएशन में. एंड उसका ब्लॉकिंग कॉस्ट बस 15 है तो मैं अच्छा खासा ब्लॉक कर सकता हूँ उससे. ओके कितने पॉइंट मिले मुझे. काफी महंगे हो गए अपग्रेड. मेरे पास 6,000 6,200 चाहिए. ओके okay let's see the skill tree. So we can go great blade level 4 for two handed level 4 mein already pahunch chuka. Okay armor ka kya scene hai. ye mera ye wala unlock kyun nahi dikha raha hai. gain 2 points in endurance. आई थिंक 3 खोल के ही मैं 4 पे जा सकता हूँ क्योंकि पहले मुझे लगा था मैं सीधा 4 पे जा सकता हूँ बट ये 4 वाला चमक नहीं रहा है. जो तुम्हारे पर्पल में ग्लो कर रहे हैं ना वही तुम उठा सकते हो बस. या ये 4 पे जाने के लिए एक्चुअली तीनों नोड तुम्हारे चले हुए होने चाहिए. आई गेस यू कांट बाईपास दैट. चलो ग्रेट ब्लेड 4 अनलॉक कर लेते हैं क्योंकि कोई ग्रेट ब्लेड 4 मिला. आई वॉन्ट टू यूज दैट. आर्मर में वैसे भी अभी तक मैं लेवल 3 वाले हैवी आर्मर ही पहन नहीं सकते. ये लेवल 2 वाला हैवी आर्मर है उसका भी पूरा सेट नहीं पहना. मुझे एंड्योरेंस में और पॉइंट डालने पड़ेंगे. अगर अपने स्टैट देखे जाए तो ये देखो इधर से दिखता है इनफो ये रहा. देखो मेरे स्ट्रेंथ में 22 एंड्योरेंस में मैं ऑलरेडी 20 पॉइंट डाल चुका हूँ और अभी भी मैं फुल सेट लेवल 2 का हैवी आर्मर पहन नहीं पा रहा हूँ. इतना हैवी है ये आर्मर्स. इसमें विल अपना आरटी है. मैं सोच रहा हूँ विल 10 तक लेके जाओ. बेसिकली अपना स्टैमिना है. ऑल्दो वी आर डूइंग गुड एट स्टैमिना लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे अटैक करने का थोड़ा सा स्टैमिना बचे कि अपन इंस्टेंटली डॉच कर सके. मैं 4 बार स्विंग करने के बाद मेरा स्टैमिना 0 हो जाता है. वाइटलिटी 14 है विच इज ओके. हर बार जब अपन अपग्रेड करते हैं तो थोड़ी थोड़ी वाइटलिटी बढ़ती है. डेक्सटरिटी विल फॉर एंड्योरेंस. स्ट्रेंथ 23 वो भी सही है. अरे ये भी तुम्हारा ये रेज वाले वेपन ज्यादा डाले नहीं है क्या गेम में इन्होंने. क्या सीन क्या है मुझे वो नहीं समझ रहा. सिल्वर जरा बेच क्या वो अपना मतलब बेसिकली बैग खरीद के आता हूँ. इसमें अपन अपना सिल्वर डाल सकते हैं. और कितना है मेरे को. ओके फायर बॉम्ब्स ये रहा. बढ़िया सारा ही सिल्वर खर्च कर दिया. एक टाइम था जब गेम स्टार्ट करने के बाद ये 3,000 4,000 अगर मेरे पास सॉल्ट दिखे तो ऐसा था अरे वही कितना ज्यादा चलो जल्दी से इसको यूज करते हैं ताकि अगर मर गए तो ये वेस्ट हो जाएगा. बट अभी मैं उतने का एक स्किल पॉइंट भी नहीं ले सकता. वो वाला 60 कर रहा था इनके अगेंस्ट अपना गोल्ड वाला है. एक सेकेंड यहां से ऊपर एक रास्ता जाता है.
आई थिंक ये अपन को वो डोर पे लेके जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा था. यस खुल गया है वो टेंपल ऑफ बोलग्रा. उस साले लोग ऐसे ही फेल देंगे अपन को. क्या मार रहा है ये? ओके सो इट्स नॉट इंस्टेंट डेथ. ओ भाई एक और डोर इधर. ओके अब तक के जो भी वो ट्विन वाइड पायर्स लेकिन नॉर्मल वाइड पायर नहीं मिला अब तक के जितने बेसिक एनिमीज थे उनमें सबसे टफ टाइप के. ओके सो वी नीड वन मोर हार्ट फॉर दिस. ये टेंपल के एकदम बॉटम के साइड एक डोर है जिसके लिए एक और हार्ट चाहिए एंड उसके भी नीचे एक डोर है जिसके लिए दो हार्ट चाहिए. सो वी हैव थ्री लॉक डोर्स एंड फिर नीचे की तरफ एक सीवर्स में जा रहे हैं वो लोकेशन भी है अभी जो लॉक्ड है. ओके एंड अच्छा आई थिंक ये नीचे जो लोकेशन है ये अपन को यही से तो अपन एंटर करते हैं. ये मैप रिकनेक्ट हो जाएगा अपना. ये देखो यहां से अपन एंटर करते हैं. अगर यहां से निकल के राइट की तरफ जाओ तो अपना वो चेक पॉइंट आ जाएंगे जहां से अपन अभी स्पॉन हुए थे. लेकिन अपन सीधा वो रोप्स लेके ऊपर आ गए सो दैट ऑल्सो हेल्प्स. इस तरफ कुछ लूट टाइप की चीज दिख रही है. अरे भाई उसकी टाइमिंग काफी ऐसे टाइट लग रही है बहुत ज्यादा. एकदम ऐसे परफेक्ट होना चाहिए. ओ भाई ओके ऐसे तो भी डॉज वॉज करके पहुंच गया मैं. सनफायर टोर्ड ओ ये वाला डोर यहां से खुल गया और स्टील की यूज किया बने. ठीक है व्हाट इज दिस लोकेशन? वी गॉट अ लूट शाउडेड टोकन. ओ ओके अभी मैं अपने ये वेपन एक लेवल अपग्रेड कर सकता हूँ. वॉर्ड वाइड पायर्स मिले तीन. हु इज दिस गाय? सीम्स लाइक एनपीसी. Three pillars, three platforms. I very much like this room. So many have forgotten about the promise of three, but we haven't, and the gods haven't. If commanded to plunge a blade into the heart of your fellow inquisitor, would you do it? Yes, without hesitation. Yes. So you understand the true threat. You know that when the gods are not pleased, doom follows. Meet me in the caves of the partners with. Okay, I think ये shroud. Okay, shroud invasion. Yeah. अब मैं जो सोच रहा था वही है. ये तुम्हारा online के लिए PVP invasion के लिए जो होता है ना वो वाला ही है. Basically अब तक अगर ये NPC unlock ना हो ओ भाई ये कहाँ से आया? तो तुम invasions वगैरह नहीं कर सकते हो. Where are we exactly? Oh, याद आया ये location. वो विंड वाले को मारने पहली बार जब स्पॉट होता है उससे अगर लेफ्ट की तरफ आओ तो ये एक चीज थी जो अपन एक्टिवेट नहीं कर सकते थे बट नाउ इट इज एक्टिवेटेड सो इट इज काइंड ऑफ रिकनेक्टिंग द ओल्डर एरियाज.
आई सी द ट्रैप और क्या डेड एंड ऊपर सो अपने पास सीवर्स है, बस सीवर्स ही है, बाकी तीनों डोर लॉक्ड है अभी। ओके ऊपर से ही डेथ बिल्डअप कर रहा है, बहुत बढ़िया। अरे ये डेथ बिल्डअप के लिए कुछ देना चाहिए था कि ये पी लो एंड तुम ठीक हो जाओगे। आई थिंक इसके अगेंस्ट से वाटर वाली चीज ज्यादा बढ़िया काम करती है, ये वाले एनिमीज के अगेंस्ट। जस्ट टू हिट्स एंड अ सिंगल हिट। ओके आई थिंक ये नेक्रोमांसर एनिमीज है ना, इसके लिए वजह से वो वाला वेपन उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा जितना एक्चुअली में करना चाहिए। किधर जा रहा हूँ चढ़ते चढ़ते? वेपन मिला ना एक। ओके ग्लेव है, आई कांट यूज दैट बट ओ इट्स काइंड ऑफ अ स्पीयर बट आई गेस इट कैन बी फन टू यूज, बट ये स्ट्रेंथ बिल्ड के लिए सही नहीं है अभी। मैं मतलब उसमें पॉइंट्स भी नहीं डाल सकता, उसका स्किल ट्री काफी दूसरे साइड होगा। एनीवेज एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो फर्स्ट बॉस जिसको तुम मारते हो ना, ये रहा उसका वेपन, वो एक ग्रेट ब्लेड होता है एंड उसका पूरा आर्मर सेट तुम्हें मिलेगा। ये रहा है उसका हेलमेट, ये रहा उसका बॉडी सेट वगैरह। जो पहला बॉस था मेज फाइट भी स्टार्ट होने से पहले जो बॉस था, ट्यूटोरियल बॉस के जस्ट बाद जो आता है, तो ये तुम्हें तुम्हारे पार्टनर्स वेल में वो जो बंदा है ना जो तुम्हारे डियर के साथ बैठा होता है काइंड ऑफ एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड या वेस्ट हैंड साइड में जो है पार्टनर्स वेल की, उससे आके बात करोगे तो वो बोलते हैं कि उसके हराने के बाद मैं उधर स्नीक करके गया एंड मैं उसके सामान उठा के लेके आ गया एंड वो अपन को दे देता है वो। सो यू कैन गेट इट फ्रॉम हिम। मैंने तो मुझे तो काफी लेट मिला, आई गेस एक आधे एपिसोड पहले मिला जस्ट, एंड तब तक अपन लेवल 2 वगैरह के हैवी आर्मर पहन चुके थे, लेकिन अगर जल्दी मिलता तो काफी यूजफुल होता। ओ ये बंदे से तो अपन मिले थे ना उधर एशबॉर्न विलेज में। हाँ ओ हेलो वी मीट अगेन फ्रेंड, लुक एट दिस लाइब्रेरी इट्स सिंपली इनक्रेडिबल। अच्छा उधर भी वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। आई हैव बीन अटरली कैप्टिवेटेड बाय व्हाट आई हैव रेड इन दिस चेंबर, जेनेलॉजिक्स मेडिसिन Annals from shore, okay, but the treaties on magic are okay, okay, well, and delight the forbidden glimpse are well, and why forbid a glimpse? It simply a tool, any to the dangerous on the wrong hand, okay, aur kuch bolna hai isko? Consider the dagger is a forbidden glimpse and not like the dagger, an effective tool, dangerous on the wrong hands. They are the same, they are, of course, they are the, why then forbidden glimpse if it's a simple means to an end? And we are those that hunt and devour magic, okay, mages, the aid of forbidden glimpse is no different from the aid of razor. ये मुझे ऐसा लग रहा है इसका forbidden glimpse को लेके कुछ लेना देना। I am nearly finished, I am planning to travel to Corvus Mag, perhaps we will meet again. I think इसको अपन को multiple locations पे इससे मिलना है and then he will give us something forbidden glimpse या उससे कुछ related. उधर ऊपर कुछ miss हुआ है क्या? It's a dead end. Okay, let's move upwards. ऊपर एक और hidden location, कितने hidden location है इधर? Healers hat, healers क्या है ये? कौन से क्लास का है? क्लास जीरो लाइट आर्मर। ओके तीन है फिजिकल, इसका कितना है? 7.2। एक और मेज हंट,
Oh, there is a shortcut down there. I think मुझे याद आ रहा है ये location कौन सा है. हाँ ये दो याद है, दो boxes वाले location अपन इस पे अभी तक पहुंच नहीं पाते थे एंड ये वाला भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहे थे. इफ आई एम करेक्ट तो यहाँ पे कुछ एक आधे एनिमी एंड एक चेक पॉइंट. यहाँ पे अपन लड़े थे एक नॉन मेज बॉस से जो स्पाइडर टाइप की दिखती है, ये वो लोकेशन है. तो आई गेस ये बॉक्सेस को लेने के लिए मुझे मेज को हराना पड़ेगा. इफ दैट डोर इज अ, अगर उसको बस एक और हार्ट चाहिए तो चेक करें ये डोर का क्या सीन है. या वन मोर हार्ट. मेज हंट एपिसोड थोड़ा सा लंबा जा सकता है बट वी कैन गिव अ सिंगल ट्राई. ये पहले अटेम्प्ट में हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर अपन अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे इसको. पाड्रा स्कारी ओके टीयर 10 तक हो सकता है ये. पाड्रा सैक्रेव डिवर्ड फॉलो द ट्रेल थाउमैंसर देन डिफॉल्ट इवेंट डिवर्ड. थाउमैंसर क्या है ये? गोल्ड पायर एक्सेप्शन ऑफ द टूम्ब ऑफ बो इजिली परस्यूट ऑफ द डिवाइन सो इजिली रैप्स अ सोल एंड इज नो एक्सेप्शन. इसका मुझे थाउमैंसर में समझ में नहीं आ रहा है क्या है इसका एलिमेंट. गोल्ड टाइप का गोल्ड है या फिर डिवाइन या फिर लाइट 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 होगा. गोल्ड जैसा कोई एलिमेंट तो मुझे नहीं पता, ऐसा अभी तक मैंने कहीं पे देखा नहीं है. लेट्स सी टीयर 10 है, थोड़ा सा टफ थोड़ा सा क्या मुझे लग रहा है टीयर 10 अभी तक का हाईएस्ट है जो मैं लड़ने जा रहा हूँ. अब जाने दे मेरे को यहाँ से, तेरे से कुछ भी. ये और अबे कितना नीचे पड़ा ये. ओ भाई मेरे ये तो बहुत नीचे है. Shit. I think मुझे यहाँ का चेक पॉइंट उठा लेना. ये इधर क्या कर रहा है, निकल यहाँ से, मुझे तेरी जरूरत नहीं है वैसे भी. अच्छा ये एग्जैक्टली वही लोकेशन पे है जहाँ पे अपना वो बंदा आया था नेक्रोमांसर स्टार्टिंग में. ओहो ओहो हो व्हाट इज दिस डैमेज. शिट 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 बहुत अजीब अटैक है इसके. नीड टू चेक आउट की मेरा दूसरा वेपन 74 आई गेस आई शुड यूज दिस. या किधर गया ये. ओके
इसके मिनियंस बहुत ज्यादा टैंकी लग रहे हैं मेरे को, नॉर्मल से ज्यादा। ये बाहर की तरफ गया कि नीचे की तरफ गया है? What? इतना? ओ भाई चार अटैक खा चुका है ऑलरेडी मेरे, पांच अटैक। वो वापस अंदर गया वहां से। विंड वालों ने मार दिया के। ये तो विंड वाला है। लाइट वाला ऊपर है या ऊपर कैसे गया ये वापस? इतने ऊपर गया मैं उससे लड़ना जो तेरे सामने खड़ा है। ब्लेड निकाल दिया भैया ने। इधर आ, इधर आ। ये वापस नीचे भागा रहे यार, ये आगे पीछे क्यों भाग रहे ऐसे? यहां से मैं नीचे भी नहीं जा सकता। रहा
ये मेन बॉस फाइट होने से पहले ही हो। ओके ओके मेन बॉस फाइट। ओ भाई ये क्या है? नीचे बैठ। टू बी ऑनेस्ट बॉस अपने आप में काफी स्लो लगा मुझे, उसके अटैक्स डैमेजिंग थे एज कंपेयर टू नेक्रोमांसर वगैरह, थोड़ा स्लो लगा मुझे। दोज़ हू डू नॉट प्रोस्ट्रेट देमसेल्व्स आर जज्ड, यू आर जज्ड इनक्विजिटर, आई हैव पेड फॉर माय क्राइम्स, you have no power to judge. Desperate words of a guilty sinner, I have been granted authority to judge in the name of the gods. Okay. Yeah, he was a light mage, I think. He's tabhi aise backy baatein kar raha hai. Light wale element ka mage tha ye. You violated sacred grounds, this is a sin. You struck down the penitent, this is a sin. You struck down a priest of station, this is a sin. For your sins, judgment must be carried out. You are to be carved and emptied. Your skin will be thrown to the beast, your entrails to the birds. Okay, these are my words, this is my judgment. Herodotus, do you not see the judgment I meted out in your name? Herodotus, okay, Lord. Okay, thoda sa pagal type ka tha wo. Okay, where does this open? This is a dead end. Okay, light mage ka nameless mage hunt. Actually we don't need that at the moment, but yeah, jaise ki maine bataya nameless mage hunts aise dhoonde jaate hain. So abhi apne paas kitne doors hai? Ek door middle ki taraf hai, nahi nahi, ek door yahan pe hai. Yeah, nahi, what the tum log abhi tak to nahi the, कहां से उठ फिर के आ गए मेरे को नहीं पता। मैं जा रहा हूं यहां से, तुम निकलो। सो इफ आई एम करेक्ट तो ऊपर की तरफ लूट थी, वो लूट उठा लेते हैं, निकलते हैं फिर यहां से। यहाँ पे कहीं पे टॉप लूट बॉक्सेस थे ना, तो वी शुड बी एबल टू एक्सेस दैट नाउ। एंड उसके बाद एपिसोड रैप अप करते हैं। हाँ, एपिसोड रैप अप करने से पहले इसके आइटम्स वगैरह भी चेक कर लेंगे कि इसने क्या ड्रॉप किया है। अदर देन दैट आई थिंक अभी अपन ने एक डोर खोल दिया, एक डोर ऊपर की तरफ है, दो डोर नीचे की तरफ है मुझे ऐसा लग रहा है, और एक सीवर्स वाला एरिया भी है जो अपन फिलहाल अभी एक्सेस नहीं कर सकते। Oh shit, oh shit. गलती से तुम लोग को शायद स्टैटिक आया होगा, थोड़ा माइक हिल गया था, माइक पे हाथ लग गया था। ये वैसे एग्जैक्टली जो टॉकिंग हेड है ना अपने स्पॉन के पास, एक टॉकिंग हेड है उसके जैसे ही दिख रहा है ऑलमोस्ट, बस कलर अलग है। ओके लेट्स सी व्हाट इज इन देयर। पैलेडिन्स वैनगार्ड एंड गोल्ड पायर एंड पैलेडिन हुड्स। ओके ओके, सो पूरा पैलेडिन सेट अपना कंप्लीट हो गया है। पैलेडिन का हैवी आर्मर 1 हुआ इफ आई एम करेक्ट, यप, क्लास 1 हैवी आर्मर, और उसका
क्लास जीरो वैनगार्ड, अपने ये भी क्लास जीरो ही था क्या? ये वो क्लास वन था। दिस इज फास्टर देन एक्स, मच फास्टर, बट इसका क्लास एक नीचे है। एक्स वाला जो वैनगार्ड है उससे फास्टर है ये। कैची, तू भी ले कैची। लेट्स रिटर्न बैक टू होम। So, जैसे कि मैंने बताया, तीन आई गेस तीन डोज है जो भी लॉक्ड है, उसमें से दो अपन प्रोबेबली अनलॉक कर सकते हैं, एक मिडल में और एक एकदम बॉटम की तरफ है, एंड एक डोर अपन नहीं कर सकते शायद, उसके लिए एक और मेज चाहिए, तो अपन एक मेज मिसिंग है अभी भी, मेज हंट वाला। एनीवेज लेट्स चेक आउट व्हाट इट ड्रॉप्स फॉर अस एंड उसके बाद रैप अप करते हैं एपिसोड। क्लास टू, क्लास थ्री ग्रेट हैमर, फिलहाल तो मैं इसे यूज नहीं कर सकता, सो अपने काम का नहीं है। क्लास टू ब्लडजियन, स्केलिंग डी, स्टेव, हाफ स्पीयर। क्लास टू थ्रोन आइटम, ये कुछ अलग है, जो अपन एक्सेस थ्रो करते ना उसकी जगह पे कुछ और चीज है ये। इंक्रीजेस लाइट डिफेंस ट्रॉफी, इंक्रीजेस रूइनिक आर्ट्स डैमेज, उसके लिए रूइनिक आर्ट होना भी तो चाहिए। Increases light attack. Light वाले weapons ही use नहीं कर रहे इसमें, बस एक interested में hammer भी हूँ, लेकिन उस पर मेरे पास great hammer के लिए तीन point है नहीं। Ruinic attack ये अच्छा हो सकता है, but अपने पास ruinic attack वाले ज़्यादा weapons है ही नहीं, तो उसके भी option नहीं है, तो फिलहाल मैं इसका तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। अपन episode यहीं पर wrap up करते हैं, episode बंद करने के बाद मैं upgrade करके थोड़े बहुत point डालता हूँ। मुझे थोड़ा सा देखना है कि मुझे point किधर चाहिए, प्रॉब्लम आर्मर की तरफ डालूंगा। सो अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।